कितना चाहिए? 1 2 8 8 8 यहाँ पे आ गया। फिर हम दोबारा से यही जाएंगे, हम डालेंगे यहाँ पे कनबो, कनबो का सी बड़ा होगा, कनबो का सी बड़ा होगा, सी ओ एन एन बी नहीं कर पा रहा हूँ। दो बार खोलना पड़ेगा ना, दो बार पासवर्ड लगाना पड़ेगा। हाँ, दो बार पासवर्ड डालना पड़ेगा, एक बार कनबो सी बड़ा, उसके बाद कनबो का सी बड़ा, दूसरी बार 1 2 ये जगह। ठीक है, दूसरी हम जाएंगे अभी कहाँ पे, सेटिंग में, सेटिंग उसमें आ रहे दोनों, सेटिंग में गए, उसके बाद हम जाएंगे सर्विस में। सर्विस में घुसने के लिए भी मांगेगा वो पासवर्ड, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 वेट करना है थोड़ा सा। ठीक है, 1 2 ये देना है। अभी आप ये कह रहे हैं ये रुकती है, वैसे कुछ भी आप इसमें चेक कर सकते हो क्या क्या नहीं, नहीं जा रहे हैं। विजुअल ये रहा ना, 3 नंबर वाला सेटिंग आई, वो विजुअल कर लेते हैं। विजुअल के लिए हमें विजुअल पे टिक कर लिया, हम करेंगे डायग्नोस। अभी ये क्या कर रहा है, ये सारा कुछ दिखा रहा है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। हम करते हैं इसको, अभी हम कुछ करेंगे तो नहीं होगा, हम करते हैं इसको डायग्नोस। डायग्नोस मोड पे आ गया, अब क्या होगा, अब हम जो भी चीजें चेक करेंगे वो कर सकते हैं। जैसे अभी ड्रेन का चेक करना है, वॉल, ये Y1 Y2 ये सारी कॉइलें हैं, जितनी भी कॉइल लगी है यहाँ पे, ये सारी Y1 Y2 Y3 जानते हैं। ये नीचे का ड्रेन है वहाँ वाला, ये है पानी के लिए, जो उसमें पानी ऐड कर रहा है। ये है तुम्हारा ऊपर का पानी, स्प्रिंकलर जो पानी को धोता है, जो पानी वॉशिंग के टाइम में आता है पानी वो, ठीक है। और Y3 जो है, ये है पानी तुम्हारा ड्रेन में, ये इस वाले चैम्बर में पानी डालने के लिए, ये वाला है ना, ये भी तो ऑन हो रहा है, तो मतलब कि प्रॉब्लम वहाँ नहीं है जहाँ पे थी, मतलब ये सारा फंक्शन सही से काम कर रहा है। अभी वो प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, हम करते हैं इधर, ये केमिकल वॉश कर रहा है, केमिकल कनवो क्लीन उठा रहा है। कनवो क्लीन के लिए 2 पंप चलती हैं, 3 पंप में से 2 चलती हैं एक साथ, इसको दबाते हैं। हाँ वो कुछ नहीं हो रहा, कुछ कारण से नहीं चल रहा है इसका। ये भी नहीं चल रहा इसका, ये चल रहा है, लेकिन अभी क्या कर रहा है ये पानी ना, ये केमिकल यहाँ से तो उठ रहा है, मतलब ये यहाँ के बाद नहीं उठ रहा है ना, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ये केमिकल यहाँ तक उठ रहा है, यहाँ के बाद नहीं उठ रहा है, तो मतलब ये पानी, ये वाला कुछ है, ये जो भी है वो पानी इसको आगे नहीं जाने देगा, है ना। ऐसे ही ये वाला, ये केमिकल चल रहा है, ये वाला पानी, ये वाल नहीं खुल रहा, इस वजह से ये पानी ऊपर नहीं जा रहा, ये चैम्बर में केमिकल नहीं आता, ये मशीन क्लीन नहीं हो रही है ना, इसीलिए क्लीन नहीं। तो ये प्रेशर को, वाल को, प्रेशर वाल है ये अंदर लगा हुआ,
वो नीचे ऐसा खोलोगे मोटर को तो गोल सा ऐसा होगा, गोल ऐसा बिल्कुल गोल डमरू जैसा, वो खोल के थोड़ा सा उसको कर देना, सेट कर देना, तो ये खुलने लगेगा। फिर ये खुलने लगेगा तो ये केमिकल जाने लगेगा, फिर ये मशीन में वॉशिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी खत्म। अब तुम्हारे लिए क्या काम, अभी अभी ये कुछ भी करोगे, ये ड्रेन वॉल है, ड्रेन वॉल खोलोगे तो पानी वहाँ से निकाल देगा, बॉयलर से, समझ रहे हो, वहाँ से बॉयलर को खाली कर देगा, इधर से भरोगा तो भर जाएगा मोटर। ये बॉयलर का हीटर है, अगर बॉयलर हीटर चेक करना है तो ये चल रहा है, पता लग जाएगा। ये फैन है, ये चल रहा है सही है, ये भी चल रहा है सही है, ऐसे ही ये भी चल रहा है, ये पानी आ रहा है, ये भी सही है। तो मतलब ओवरऑल अगर कुछ भी चेक करना है तो आप यहाँ पे 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 आके चेक कर सकते हैं। अब इसको बंद करने के लिए तुम्हें वापस डायग्नोस करना है। अब डायग्नोस में ये बंद हो गया सारा, बैक करना है, फिर से बैक करना है, और उसके बाद इसको